सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर अकाउंट्स, दैट इज योर पेपर टू ऑफ जीआईबी। जीआईबी पेपर टू के लास्ट मोमेंट टिप्स को इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, 6 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। 6 दिन में आप पेपर टू को कर सकते हैं अभी से भी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है कि 6 दिन में किन चैप्टर्स को आपको करना चाहिए। देखिए, अगर आपने पहले से इस पेपर के बारे में प्रिपरेशन कर रखा है, इस पेपर को प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो आप जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, इसको आप रिवीजन के रूप में ले सकते हैं कि इन चैप्टर्स को पहले आपको रिवाइज करना चाहिए। ये वीडियो खास करके उनके लिए होता है जो अभी उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करना है, उन्होंने अभी किया ही नहीं है, उनको लास्ट 6 दिनों में क्या क्या पढ़ना चाहिए वो इस वीडियो में बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि बस इतना बता दिया गया है इसी को करके चले जाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिनको आपको मिनिमम टारगेट के रूप में रखना ही होगा। इनको तो आपको कवर करना है, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स जो आपके दिए गए हैं, बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स जो उसमें बताए गए हैं वो सारी चीज आपको देखने हैं, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया वो सब इसमें आपको कवर कर लेना है। उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद बैलेंस शीट इक्वेशन, रेशियो एनालिसिस, कंपनी अकाउंट्स जिसमें कि खास ध्यान रखिएगा आप इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पर, उसके बाद डेप्रिसिएशन। इन 9 चैप्टर्स को टारगेट पर रखा गया है इस अटेम्प्ट के लिए हम लोगों के द्वारा, लर्न विद विपुल के टीम के द्वारा। तो इन चैप्टर्स को मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा, बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है या फिर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे वो तो अच्छा होगा ही आपके लिए। अब देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि एक जस्ट अभी पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बताया कि थ्योरी पे आपको इक्वल वेटेज देना है, ध्यान देना है, क्योंकि चूंकि ये पेपर जो है इसमें काफी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी को पूरी तरह से वो नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आप इस पेपर में देखेंगे 60% के आसपास आपको थ्योरी क्वेश्चंस ही दिखेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर से भी उसको थ्योरी के रूप में उन्होंने पूछा होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो चैप्टर है जैसे कि फॉरेक्स हो गया, बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो गया, उसके बाद अगर बात कर ले तो रेशियो एनालिसिस और कंपनी अकाउंट्स के शेयर्स वाले पार्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन, यहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं थ्योरेटिकल के साथ साथ, इसीलिए खास इन चैप्टर्स को हम लोगों ने मिनिमम टारगेट में रखा है। बाकी जो चैप्टर्स आपके बचते हैं सिलेबस में उससे आप देखेंगे कि थ्योरी ही आपको वहां से कवर किया जाएगा। इन चैप्टर्स को यहां रखने का मेन मकसद था ये, फर्स्ट अगर चैप्टर को हटा दे बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स को, तो बाकी जितने भी चैप्टर्स है वहां से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिलेंगे, साथ में थ्योरी भी रहेगा। तो इन चैप्टर्स को आपको अपने मिनिमम टारगेट में रखना ही होगा इस अटेम्प्ट के लिए। इसके बाद अगर आपके पास कुछ समय बचता है तो बाकी बचे चैप्टर्स में से आपको जो भी ठीक लगे उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मॉड्यूल डी जो आपका बैंकिंग ऑपरेशंस का जो थ्योरी दिया हुआ है वहां पे, केवाईसी नॉर्म्स एंड ऑल, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, जैसे सैटरडे को आप रिवाइज एक बार जरूर करेंगे, जितना भी आपने पढ़ा हो, ऐसा नहीं है कि सारा बुक आपको पढ़ लेना है तभी आप जीआईबी पास करेंगे। मिनिमम टारगेट में भी जो दिया गया है उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो जीआईबी आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन पर आपको फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि बस कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। लास्ट में एक दिन सैटरडे के दिन आप जरूर रखिएगा रिवीजन के लिए, सो दैट कि आपने जो भी पढ़ा हो उसको आप एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर सकें। और ये जो आपके चैप्टर्स हैं जैसे खास करके रेशियो वगैरह, वहां पे फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, तो बिना रिवीजन के वो नहीं होगा, वहां पे एग्जाम में आप कंफ्यूज करेंगे। तो चलिए, लास्ट मोमेंट टिप्स में जो बताया गया है उसको फॉलो करके आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करने का इन 6 दिनों में, और जितना भी आप पढ़े उसको रिवाइज जरूर से कर लें। और उम्मीद किया जाता है कि इतना अगर आप कवर करते हैं तो आपका ये पेपर यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स ये इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।